कुछ खास बनाना है? आज तुम्हारा रोजा है? नहीं कुछ खास नहीं बनाना, जो रोज रहता हूँ वही। 4:35 हो चुकी है और टाइम ज़्यादा हो गया है आज, और आँख लेट खुली है। वैसे तो लेट नहीं खुली है, आँख पहले ही खुल गई थी, मैंने साजा को उठा दिया था, लेकिन साजा ने क्या क्या सो गई थी दोबारा से, सोने के चक्कर में लेट हो गई थोड़ी सी। तो टाइम यहाँ 5 के बाद खत्म है। हम दोनों ने उस समय सहरी खा ली थी और उसके बाद काफ़ी टाइम रह गया था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि आज हम लेट हो गए, लेकिन यहाँ 5:08 पर सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो हमने सहरी खा ली थी हम दोनों ने, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, और तब से लेके अब तक मैं फ्री नहीं थी। और मैंने सुबह का भी सारा काम निपटा लिया। ये स्पाइडर के कलर जैसा, यानी कि रेड कलर का, मेरा बेटा बोल रहा है। और ये यहाँ पर जियान, और वो वहाँ पर बैठी मेरी बेटी एनु। ये दोनों बच्चे अभी उठे हैं सोकर, तो अब मुझे इन दोनों के लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा तो रोज़ा है। तो इन दोनों को चाय वगैरह बना के दूंगी, चाय बिस्किट के अलावा ये कुछ नहीं खाते सुबह को। तो अब मैं सोच रही थी कि ये दोनों सोते रहेंगे, तो मैं एक काम करूंगी, एक सिफारा अभी भी पढ़ लूंगी, लेकिन ये दोनों उठ गए। मेरे हस्बैंड जी तब से व्लॉग एडिट कर रहे थे और यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो, तो ये अभी आ रहे हैं फ्रेश होकर, दिखाओ। तो टाइम हो चुका है 10:30 और मैं अपने घर के रोज के काम करने में बिजी हो गई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि ये कमरे में यही जगह है बस खेलने के लिए इनके। खेलने में फोन चला रहे, फोन में क्या याद कर रहे हो? स्केलेटन। मैंने क्या बोला था आपसे? फोन चलाने के लिए बोला था, लेकिन क्या याद करने के लिए बोला था? लेकिन आप तो फोन से व्लॉग बना रही हो। और आज जियान ने क्या पहनी है? शर्ट, जो कि इसके पापा ने सिल के, कुर्ता नहीं है, शर्ट है ये। ये जियान के पापा ने सिली थी पिछले साल, तो इसके अभी भी आ रही है। मैंने कहा आज बेटे ये पहन लो, तो वो मान गया। ये चुभ रहा है? ये नहीं चुभ रहा ना? हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ जो श्रीनगर है, उत्तराखंड का जो मौसम है, ये क्या है? मतलब शाम को ठंड लगती है, सुबह को भी ठंड लगती है, और दिन में जैसे धूप निकलती है तो गर्मी रहती है। तो गर्म कपड़े अभी भी, सारे कपड़े मैंने नहीं रखे अभी भी, क्योंकि किसी भी दिन गर्म कपड़े यहाँ पहनने पड़ जाते हैं। और आज रमजान का 3रा रोजा है, ठीक है? तो अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर जुड़े रहिए आज मेरे 3रे व्लॉग में, रमजान का 3रा स्पेशल व्लॉग, देखते हैं आज क्या क्या होगा। फाइनली दोस्तों, पूरे 1.5 के बाद मैं ऐसे कपड़े यहाँ पर लगा पाई हूँ, और यहाँ सर्दियों के मैंने ज्यादातर सारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं बेड के अंदर। और यहाँ एनू ने मैंने बिस्तर लगा दिया था, एनू ने यहाँ पर अपने खिलौने फैला दिए जो कि टूटे फूटे हैं सारे। और यहाँ पर एनू खाना बना रही थी। एनू खाना बना लिया आपने? नहीं, एनू के बाल हमेशा इसलिए ऐसे रहते हैं क्योंकि एनू ने अभी बाल नहीं बनवाए। ऑरेंज कलर का हेलीकॉप्टर, और आप येलो कलर के। 12:30 बज चुके हैं, हमारा रोजा है लेकिन हमारे बच्चों का रोजा नहीं है। तो मैंने उन दोनों बच्चों से बोला कि बच्चों आप क्या खाओगे? तो मेरे बच्चों ने बोला हमें खाना नहीं खाना। तो आज इन्होंने खाना खुद बनाया है, ये दोनों बच्चे। अब यहाँ पर एनू को भी मैंने तैयार किया है नमाज पढ़ने के लिए, और एनू भी आज मम्मी के साथ नमाज पढ़ेगी। नमाज पढ़ कर क्या मांगोगे अल्लाह से? दोस्तों, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं दुकान से, और आज इनकी हालत देखिए, मुझे लग रहा है आज इनको रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा धूप है बाहर। तो कैसा रहा आपका रोजा? रोजा तो अच्छा होता है सबके लिए। तो बताओ आपका रोजा कैसा रहा? रोजा तो सबका ही बढ़िया रहता है, लेकिन मसला यह है कि बस थोड़ा सा जो है ना, मुझे नींद ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं 3 जब उठा था शहरी में, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोया नहीं, ब्लॉग एडिट करने में लग गया, वीडियो एडिट करने में लग गया, अपलोड करने में लग गया, तो इस वजह से मुझे जो है ना, मेरा स्विच ऑफ हो गया। एनू और एनू देखो क्या बन रही है ये। और वहाँ देखो जियान आराम से लेटा है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। चलो मैं चलता हूँ फिर दुकान। हाँ मैं जा रहा हूँ दुकान पर। मैं आया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज दोपहर में आया नहीं था ना, तो बच्चे देखे नहीं थे मैंने, तो मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैं बच्चे देखने। सिर्फ ये 2 के लिए आए हैं, और अभी आए हैं, इनको आए हुए सिर्फ 2 हुई होगी, हद से हद 5 और ये जाने के लिए बोल रहे हैं। अफ्तारी लेके आऊंगा मैं सीधा। अफ्तारी कुछ खास बनाना है? आज तुम्हारा रोजा है? नहीं कुछ खास नहीं बनाना, जो रोज रहता है वही बस। हाँ बस वही। छह
6 बजकर हो गए हैं 16 मिनट और मैं जा रहा हूँ सामान लेकर अपने घर पे। तो अफ्तारी का सामान लेकर मैं आ गया हूँ घर पे, और पहले मैंने भिजवा दिया था थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा अब लेकर आया हूँ जो कि ज़रूरत का सामान है। पहुँचने वाला हूँ मैं अपने घर पे। एनर्जी मेरी काफ़ी वीक है इस समय, तो मुझे थोड़ा सा पानी की प्यास लग रही है। यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं अपने रूम पर, और यहाँ पर हमारा बाबू खड़ा है, और यहाँ पर बैठी है अनाया, और यहाँ पर हमारा अफ्तारी का सामान जो कि साजिया ने लगा दिया है। अब है हमारी दुआ मांगने का टाइम, तो हम दुआ करते हैं तब तक। यहाँ पर साजिया ने आज क्या बनाया है जरा बताओगी? फुल्की है हाँ, और ये केले और अमरूद और संतरे तो आप लेकर आए थे। थोड़ा सा हलवा पराठे का मन था तो थोड़ा सा लेकर आया हूँ, ज्यादा नहीं 50 रुपए का लेकर आया हूँ बस। और 50 रुपए में ये इतना तो मिल ही जाता है कि इन्होंने बोला कि खांसी हो रही है वैसे तो सबको, उसको भी खांसी हो रही, इसको भी खांसी हो रही, मुझे भी खांसी हो रही। और एनु क्या आपने रोजा पहले खोल लिया? और आज एनु ने बोला कि मम्मी मुझे आपके जैसे दुपट्टा ओढ़ना है, तो ये मेरा एक अहराम था तो मैंने एनु को इसको उड़ा दिया है। और इसमें आज एनु कितनी क्यूट लग रही है कमेंट करके बताना। हाँ अमरूद अभी नहीं बेटा, अल्लाह से दुआ करो। तो ये है चना मुनी, चना मुड़ी, चना मुड़ी नाम है इसका। ये हमारी पड़ोसन ने दी है हमें खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते में बनाई है अफ्तारी में, मतलब चना मुड़ी उनके यहाँ बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि वो बिहार के हैं तो इसलिए वो चना मुड़ी खाते हैं। तो अमरूद खा लूं? हाँ खा लो। और वैसे भी एनु तो अफ्तारी से पहले खाने पे लगी हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मम्मी पापा के साथ खाते तो आपको ज़्यादा अच्छा रहता है ना, आप दुआ करके खाते तो। और वो वहाँ पर बैठे हैं भूख की वजह से, ना कि दुआ करने की वजह से। यहाँ पर बैठो दुआ करो तब तक। अल्लाहुम्मा इन्नी लकशंतु वबिका आमंतु बिस्मिल्लाह। ये रहा मेरा खजूर, मैं भी खा रही हूँ इसको।